फिर कब से आओगे रहने के लिए? हैं, ज्यादा सामान तो नहीं है ना? हाँ ठीक है ठीक है। एसी किराएदारों का भी कहाँ एसी होता है बेटा? नहीं तो दीवार तो नहीं छेद करने देंगे, इसके पापा तो बहुत ही गुस्सा करते हैं, इतना महंगा सामान लगा रखा है हमने ना, नहीं तो एसी एसी नहीं लगाने देंगे हम। और कील भी नहीं ठोकनी है दीवार में, देखो ना बिल्कुल साफ है ऐसी, मतलब कितना महंगा पेंट आता है तुमको पता है, घर बनाने में कितनी हालत खराब होती है, हमारा तो सारा पैसा लग गया, पेंट लगा रखा है ईंटे ईंटे, ऐसे कील ठोकने नहीं देंगे, इसके पापा बहुत ही गुस्सा, नहीं तो फिर बाद में ना मैं सारा मतलब जाने के दिन पूरा रिपेयर करवाऊंगी तुमसे, तुमको सारा करके जाना पड़ेगा। एक ही टाइम चलती है मोटर, सुबह ना 4 बजे पानी आता है फ्रेश वाला, उस टाइम पे उठ जाना तू। हाँ फिर बाद में मत खाना आंटी, पानी चला दो एक ही, मैं सुबह ही चलाती हूँ फिर, कितनी बार मोटर चलाऊंगी ना, बिल आता है बेटा, फिर कहोगे आंटी बिल ज्यादा ले रही है ना, ये रूप पोछा लगाना, लगाती तो होगी तो आता होगा तेरे को, रूप पोछा लगा बिल्कुल गंदगी नहीं है, सिलेंडर के दाग हाग नहीं लगने चाहिए ना यहाँ पे, नहीं रखना, महंगा टायर लगा रखा बेटा, बहुत ही महंगा टायर, ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए यहाँ, ठीक है, मेहमान दारी नहीं करनी है ज्यादा, और किराया तो 1 तारीख को देना है बेटा, जल्दी देना हुआ है ना, मेरे को भी घर चलाना है ना, ठीक है। फिर अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, कहा अंकल ना बहुत ही ज्यादा, कहीं भी जाते हो 7 बजे शाम को घर आ जाना, मैं नहीं आऊंगी बेटा, गेट खोले ना, मैं ताला लगा देती हूँ, फिर जहाँ जाओगे वहीं से चले जाना, मैं नहीं खोलूंगी बेटा, ठीक है, बुरा मत मानना बेटा, शाम को सुखी रहो है ना बेटा। हाँ तो फिर 7 बजे के बाद गेट नहीं खुलता है यहाँ, है ना, अंकल का है ना ये, अंकल कहते हैं मैं तो क्या है, मैं अंकल जो कहते हैं वही मैं कहती हूँ बेटा।